करवा चौथ के दिन महिलाएं अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। वहीं एक महिला ने करवा चौथ के ही दिन कथित तौर पर बेटी के साथ मिलकर अपने हाथों से खुद के ही सुहाग को मिटा डाला। बाद में उसने पुलिस को गुमराह करने की भी काफी कोशिश की, लेकिन 5 साल की मासूम ने माँ और बड़ी बहन के गुनाह को बयां कर दिया। क्या नाम है आपका? खुशी दुबे। कौन है ये आपके, कैसे क्या घटना हुई? ये मेरे पापा हैं। हाँ। मतलब मॉर्निंग का स्विच है 6:30 बजे का टाइम हुआ, बट मैं तो सो रही थी सारे रूम में। हाँ। तो नानी जी का कहना है दो लोग आए थे मुंह कवर करके, तो उन्होंने यहाँ लिटाला और बगल में रजाई रखी थी उड़ाए। मतलब हमें लगा एक्चुअली डेली आते हैं, इतने टाइम सो जाते हैं, 8-8, 9-9 घंटे सोना। अब मम्मी ने कहा टाइम हो रहा है अब उठा दो, तो हमने उठाया तो फिर वो नहीं उठे। मतलब बॉडी बिल्कुल अलग ही, मतलब छूके भी देखा कुछ नहीं। क्या क्या नाम है इनका? मुकेश दुबे, और वैसे घर का नहीं मोनू दुबे है। कब की घटना है ये? आज की है। कितने बजे की घटना है? सुबह 6:30-6:30 के बीच में मतलब छोड़ गए थे यहाँ। अब कैसे पुलिस को सूचना दी है अभी तक? कैसे? अरे मेरा भाई सुबह 5:30 बजे मुरैना निकल गया था, उसका सेंटर है भाई का मेरे, तो वो मतलब हम लोगों ने छूके देखा कि यार भैया को फोन लगाया, फिर भैया आए यहाँ पर, भैया ने चेक में करा, फिर सब ताऊ वगैरह को बोला, ताऊ जी और हम इंची खड़े हैं उनको बोला, तो उन्होंने क्या कहते हैं फिर आपने को सोचा लगता है किसने क्या इनका, उन्हीं लोगों ने करा होगा। इनके आप बैठते थे इतनी तो हद की दारू थी, और नानी जी को इतनी गंदी गंदी गालियाँ आपको मैं बता नहीं सकती। अपने से बूढ़े को इतनी गंदी गालियाँ मैं आपको बिल्कुल बता नहीं सकती। मुकेश जी? हाँ मुकेश जी। धमकी वगैरह कोई फोन में आया कुछ? अब इतना तो नहीं। मामला मध्य प्रदेश के ग्वालियर का है। यहाँ शहर के गोला का मंदिर इलाके में रविवार देर शाम पंडित विहार कॉलोनी के एक घर में मुकेश दुबे का शव मिलने की सूचना पुलिस को मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस को परिजनों ने बताया कि सुबह 6 बजे दो नकाबपोश मुकेश दुबे को घर के बाहर छोड़कर गए थे। वहीं शरीर पर चोट के निशान और पिता की मौत के बाद भी कई बार बड़ी बेटी खुशी के मुस्कुराते हुए बात करने से पुलिस का शक गहरा हो गया। पुलिस ने परिजनों से अलग अलग बयान दर्ज करना शुरू कर दिया, तो उनकी बातों में विरोधाभास सामने आने लगा। अभी हमें सूचना मिली कि एक विनोद कुमार शर्मा, उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया कि मेरे भाई का किसी ने मर्डर कर दिया है, तो हम स्पॉट पर आए हुए पंडित भाई कॉलोनी में। मोनू उर्फ मुकेश दुबे है, ये पंडित भाई कॉलोनी में ये भगवान सिंह कोई यादव जी करके हैं, उनके मकान में रहता है। उनकी पत्नी का, उनके बच्चों का, उनके साथ का कहना ये है कि ये सुबह अपने घर पे आए थे, दो लोग इनको छोड़ गए थे सुबह 6:30-7 बजे। उसके बाद ये सोते रहे, जब घर वालों ने इनको जगाया तो इनकी ये मृत अवस्था में पाए गए। प्रथम दृष्टि क्या लग रहा है, पुलिस को क्या लग रहा है? संदिग्ध मामला है, बॉडी पे इसमें खरोंच के एक एवरेशन इंसान भी है और चेहरा पूरा नीला पड़ा हुआ है, संदिग्ध मामला। आसपास हम दिखवा रहे हैं सीसीटीवी फुटेज जितने भी, क्योंकि काफ़ी अच्छी कॉलोनी है, तो यहाँ पे जितने भी घरों में सीसीटीवी फुटेज होंगे उसके हम फुटेज दिखवाएंगे।